तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र के भीतर MIM पार्टी के जो बड़े नेता है इम्तियाज जलील साहब को लेकर एक खबर निकल कर आ रही है कि वो एक मार्च में शामिल हुए और इस किस चीज को लेकर ये मार्च निकाली गई थी, रोडों पर, सड़कों पर रैली निकाली गई थी, इस पे हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे इम्तियाज जलील साहब को कि वो अलग अलग धर्मों के जब लोग अपने अपने हिसाब से मार्च निकालते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो अलग अलग धर्मों के साथ ये जुड़ते हुए नजर आते हैं। और 5 साल ये खासदार के हिसाब से ये काम भी कर चुके हैं औरंगाबाद के भीतर MIM पार्टी के टिकट से, और MIM पार्टी के अध्यक्ष भी है महाराष्ट्र के। तो ये खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के भीतर से कि इम्तियाज जलील साहब शामिल हुए बौद्ध गुफा बचाओ के लिए एक मार्च निकाला गया था। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग चल रहे हैं सड़कों पर, इसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है, नौजवान भी है, सब तरीके के इसमें लोग शामिल है। और ये खास तौर से आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने बौद्ध जो बड़े बड़े जो गुफाएं होते हैं उनको बचाने के लिए जो ये मार्च निकाल रहे हैं, और इनको अपना पूरा समर्थन देने के लिए इम्तियाज जलील साहब सड़कों पर निकले और इनके मार्च में शामिल हुए। कहा कि हम आपके साथ हैं, आपका हम समर्थन करते हैं, आप जिन बातों को लेकर सड़कों पर उतरने का काम किए हैं, जो आपके जो गुफा है, जो बौद्ध गुफा है, उनको बचाने के लिए जो आप सड़कों पर उतरे हैं, ये आपकी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम शामिल है। तो इन्होंने MIM पार्टी ने और MIM पार्टी के नेता इम्तियाज जलील साहब ने, जो पूर्व सांसद है, इन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया लोगों के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के हुजूम के भीतर पहुंचने का काम किया गया इम्तियाज जलील साहब की तरफ से। और लोग जब किसी भी मार्च में जब बड़े नेता पहुंचते हैं तो उसका रौनक बढ़ जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है लोगों का, और उस मार्च में उसका थोड़ा शान बढ़ जाता है कि हमारे मार्च में, हमारे धरना में, हमारे आंदोलन में कि बड़े नेता पहुंचे तो उनकी जो पावर बढ़ ज्यादा हो जाती है और उनकी जो सुनवाई भी है वो हाई लेवल की हो जाती है। तो इम्तियाज जलील साहब अलग अलग मोर्चे पर नजर आते रहते हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आजकल महाराष्ट्र के भीतर अभी कुछ दिन पहले इम्तियाज जलील साहब एक रैली भी निकालने का काम किया जो गुस्ताख रसूल के खिलाफ औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक वो बहुत चर्चा का विषय बना पूरे न्यूज चैनलों पर, नेशनल टीवी चैनलों पर। उसके बाद से अभी महाराष्ट्र के भीतर कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर भी पार्टी की तरफ से तैयारी चल रही है जोरों शोर से। अलग अलग पार्टी जो है वो अपने अपने हिसाब से तैयारी भी कर रही है कि किस तरीके से हम अच्छे अच्छे कैंडिडेट दे सके अलग अलग विधानसभा से। तो इस सब को देखते हुए अलग अलग पार्टी, आप देखते होंगे पार्टी के नेता जब कोई भी मार्च होता है या कोई भी चीज होता है तो उसमें वो शामिल होते हैं, तो वो चुनाव के समय ज्यादा एक्टिव मूड में नजर आते हैं। लेकिन ये MIM पार्टी का एक ऐसा वसूल है कि ये 365 दिन ये आम जनता के बीच में रहते हैं और उनके बीच में रह करके उनकी मदद करने का काम करते हैं। जैसे अब हैदराबाद में आप देख ले इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद में देख ले, हमेशा लोगों के बीच नजर आते हैं और सत्ता में रहे, पावर में रहे या न रहे, लोगों की मदद हमेशा करते हुए नजर आते रहते MIM पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी है। उसके बाद से अभी तो फिलहाल एक चुनाव का माहौल है तो अलग अलग नेता एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन इम्तियाज जलील साहब चुनाव हो या नहीं हो, आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि हमेशा ये लोगों के जब छोटे बड़े प्रोग्राम फंक्शन होते हैं उन सब में ये नजर आते रहते हैं। तो ये एक महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि जो बौद्ध धर्म के समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी गुफाओं को बचाने के लिए जो एक आंदोलन किया, एक सड़कों पर मार्च निकालने का काम किया गया, उसमें इम्तियाज जलील साहब ने अपना पूरा समर्थन दिया। और पार्टी की तरफ से जब किसी भी आंदोलन को, खास तौर से जिस जगह पर पार्टी अगर मजबूत हो और उनकी तरफ से अगर किसी आंदोलन को, किसी मार्च को अगर समर्थन मिल जाए तो उनके लिए एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि उनकी बात दूर तक पहुंच सकती है।
तो मकसद यही होता है कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना, कि हमारी बातों को सरकार सुने और हम जिन चीजों के लिए सड़कों पर उतरे हैं उन चीजों को सुना जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। तो ये कुछ तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं पुरुष इम्तियाज जलील साहब के साथ फोटो तस्वीरें निकालने लगे। तो ये एक बड़े नेता की पहचान होती है कि जब भी वो सड़कों पर निकलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग उनसे मिलने जुलने के लिए सामने आते हैं, लोगों का प्यार समर्थन उनको मिलता है भरपूर। और ये उम्मीद है कि ये महाराष्ट्र विधानसभा का जब चुनाव हो तो औरंगाबाद से भरपूर समर्थन भी देखने को मिलेगा और नतीजा भी MIM पार्टी के पक्ष में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 2 नंबर की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर MIM पार्टी 2 नंबर पर रही थी। लगभग 5 से 6 सीटें ऐसी है जहां पर MIM पार्टी 2 नंबर पर रही थी। तो इस बार उम्मीद है कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट निकालने में कामयाब रहेगी और लोगों को जिस तरीके से एक साथ करने का जो काम किया जा रहा है, जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो वो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर रंग लाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर ये सफल हो गया तो जरूर पार्टी का जो कैंडिडेट का जो है वो काउंट है वो जरूर ज्यादा होगा। अभी 2 MLA है तो 5, 10, 8 कितने भी हो सकते हैं, तो वो आगे नतीजे के दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अब भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जिस तरीके से गठबंधन तैयार किया जा रहा है, अगर गठबंधन के हिसाब से चुनाव लड़ा जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट पार्टी को देखने को मिलेगा। तो इम्तियाज जलील साहब की कोशिश है कि किस तरीके से हम किसी न किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, या किसी बड़े गठबंधन के साथ या छोटे गठबंधन के साथ। तो ये अपडेट इम्तियाज जलील साहब को लेकर महाराष्ट्र के भीतर से निकल कर आई है। आगे जो भी अपडेट होगा वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।